स्टूडेंट ये हमारे पास एनसीआर टू पॉइंट है ठीक है तो इसकी स्टेटमेंट रीड करते हैं टू ग्रामीव शोज ए डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट इक्वल टू वन पॉइंट सिक्स टू कैलविन मोल डिप्रेशन कॉन्स्टेंट फॉर बेनजीन इज फोर पॉइंट नाइन कैलविन के जी पर मोल वट इज परसेंटेज एसोसिएशन ऑफ एसिड इफ इट फॉर्म्स डाइमर इन सोलूशन राइट आपके पास बोला गया कि अपने 25 ग्राम बेंजीन में 2 ग्राम बेंजोइक एसिड जो है डिसॉल्व किया ओके okay, बेंजोइक एसिड का आपके पास फॉर्मूला गिवन है जिससे हमारे पास डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट 1.62 केल्विन ऑब्जर्व हुआ है राइट और इस केस में हमारे पास मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट जो है बेंजीन के लिए वो 4.9 केल्विन केजी पर मोल गिवन है आपसे बोला गया है कि ये सॉल्यूशन में जो हमारे पास सॉल्यूट है दैट मींस जो बेंजोइक एसिड है इसने डाइमर अगर फॉर्म किया है तो परसेंटेज एसोसिएशन जो है कितनी हुई है आपने ये बताना है राइट right? तो इसके लिए हम जो मेन फॉर्मूले यूज करेंगे दैट आर फर्स्ट वन हमारे पास जो है हमने जिससे परसेंटेज एसोसिएशन फाइंड आउट करनी है दैट इज आई इक्वल टू ऑबर्व मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय नॉर्मल मोल्स ऑफ सोल्यूट ठीक है इससे हमारे पास परसेंटेज एसोसिएशन फाइंड आउट होगी राइट लेकिन परसेंटेज एसोसिएशन फाइंड आउट करने के लिए हमें वेंट हॉफ फैक्टर की वैल्यू भी चाहिए तो वो वेंट हॉफ फैक्टर हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं ठीक है ये जो आई है इसको हम वेंट हॉफ फैक्टर कहते हैं ये नॉर्मल मोलर मास डिवाइडेड बाय ऑब्जर्व्ड मोलर मास की हेल्प के साथ हम जो है वेंट हॉफ फैक्टर फाइंड आउट करेंगे तो अब हमारा मेन टारगेट क्या है कि हमने पहले जो ऑब्जर्वड मोलर मास है वो फाइंड आउट करना है तो वी नो दैट ऑब्जर्व्ड मोलर मास फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास फॉर्मूला कौन सा यूज होगा एम बी इक्वल टू के एफ इंटू डब्ल्यू बी बाई डेल्टा टी एफ इंटू डब्ल्यू ए यहां पर डब्ल्यू ए जो है वो हमने के जी में लेना है राइट right? अब गिवन वैल्यूज देख लेते हैं कौन कौन सी प्रेजेंट है फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास के एफ की वैल्यू जो है दैट इज मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट इसकी वैल्यू 4.9 पॉइंट नाइन कैलविन के जी पर मोल गिवन है सो so, आप साथ साथ में गिवन वैल्यूज लिख लो के एफ इक्वल टू फोर पॉइंट नाइन कैलविन के जी पर मोल है राइट right? और डेल्टा टी एफ की वैल्यू दैट इज डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट ये हमारे पास वन पॉइंट सिक्स टू एलविन की डब्ल्यू बी जो है ठीक है यहां पे हमारे पास दो कंपोनेंट्स चल रहे हैं तो मैं कॉम्पोनेंट ए जो है वो बेंजीन को मान लेती हूँ ठीक है और कॉम्पोनेंट बी मैं बेंजोइक एसिड को मान लेती हूँ जहां पे भी सब्सक्रिप्ट ए या बी की बात होगी दैट मीन्स ए के केस में हम बेंजीन की बात कर रहे हैं और बी के, के केस में बेंजोइक एसिड की तो यहाँ पे डब्ल्यू बी की बात कर रहे हैं ठीक है डब्ल्यू बी मतलब कि हमारे पास एक्चुअल वेट ऑफ बेंजोइक एसिड जो है वो कितना आ रहा है दैट इज टू ग्राम सो आप यहाँ पे गिवन वैल्यू में टू ग्राम लिख दोगे नाउ अब हम डब्ल्यू ए की बात करते हैं तो डब्ल्यू ए इज एक्चुअल वेट ऑफ बेंजीन ठीक है ये कितना दे रहे हैं ट्वेंटी फाइव ग्राम दे रहे हैं राइट right? लेकिन हमने फॉर्मूले के अकॉर्डिंगली जो है के में लेना है तो हम क्या करेंगे ट्वेंटी फाइव ग्राम को के में कन्वर्ट करेंगे तो आई नो दैट वन ग्राम जो है वो वन बाय थाउजेंड के इक्वल होता है सो ट्वेंटी फाइव बाई थाउजेंड के आ जाएगा राइट सो इट इज जीरो पॉइंट जीरो टू फाइव के जी सारी वैल्यूज आपके पास गिवन है तो हम मेनली एम बी की वैल्यू जो है वो फाइंड आउट कर लेंगे सो एम बी इक्वल टू के एफ की वैल्यू फोर पॉइंट नाइन कैलविन के जी पर मोल डब्ल्यू बी की वैल्यू टू ग्राम है डिवाइडेड बाय अब डेल्टा टी एफ वन पॉइंट सिक्स टू केल्विन राइट right? और डब्ल्यू ए वो हमने के जी में फाइंड आउट किया हुआ है जीरो पॉइंट जीरो टू फाइव के जी अब यूनिट्स देखते हैं कौन से कैंसिल हो रहे हैं कैलविन के साथ कैलविन कैंसिल हो गया के जी के साथ के जी यूनिट क्या रहेगी ग्राम पर मोल जो कि मोलर मास के यूनिट होते हैं सो so, मोलर मास फोर पॉइंट नाइन इंटू टू ये आपके पास नाइन पॉइंट एट दे देगा डिवाइडेड बाय वन पॉइंट सिक्स टू

ये आपके पास ऑब्जर्वड मोलर मास आया मतलब कि एसोसिएशन के बाद हमारे पास जो मोलर मास ऑब्जर्व हो रहा है सोल्यूट का वो 241.98 ग्राम पर मोल है ठीक है तो आप यहां पे लिख सकते हो ऑब्जर्वड मोलर मास ऑफ बेंजोइक एसिड इक्वल टू टू फोर्टी वन पॉइंट नाइन एट ग्राम पर मोल वेंट हो फैक्टर फाइंड आउट करने के लिए हमें नॉर्मल मोलर मास ऑफ बेंजोइक एसिड भी चाहिए सो नॉर्मल मोलर मास ऑफ बेंजोइक एसिड बेंजोइक एसिड का फॉर्मूला सी सिक्स एच फाइव सी ओ ओ एच ये आपके पास क्वेश्चन में गिवन है राइट right? तो नॉर्मल मोलर मास का मतलब क्या है कि आप सभी की अटोमिक मासिज ऐड करोगे और उसके बेसिस पे जो मोलर मास आएगा वो हम नॉर्मल मोलर मास कहेंगे जो कि एक मॉलिक्यूल ऑफ बेंजोइक एसिड का आएगा राइट सो कार्बन का अटोमिक मास ट्वेल्व ग्राम पर मोल सिक्स एटम है तो इंटू सिक्स हो जाएगा प्लस हाइड्रोजन का वन ग्राम पर फाइव एटम है तो इनटू फाइव हो गया अगेन कार्बन एक एटम प्रेजेंट है तो ट्वेल्व ग्राम पर आ गया प्लस अब ऑक्सीजन के यहाँ पे टू एटम्स प्रेजेंट है तो हम ग्राम पर मोल जो कि अटोमिक मास ऑफ ऑक्सीजन है उसको इनटू टू कर देंगे प्लस अगेन एक एटम हमारे पास हाइड्रोजन का प्रेजेंट है सो वन ग्राम पर मोल आ गया राइट right? अब ट्वेल्व इंटू सिक्स सेवेंटी टू ठीक है प्लस फाइव प्लस ट्वेल्व प्लस सिक्सटीन इंटू टू थर्टी टू हो गया प्लस वन ठीक है अपने यूनिट्स कॉमन निकाल लिए ग्राम पर मोल सो सेवेंटी टू प्लस फाइव प्लस ट्वेल्व प्लस थर्टी टू प्लस वन वन ट्वेंटी टू ग्रैम पर मोल मतलब एक मॉलिक्यूल जो बेंजोइक एसिड का है उसका नॉर्मल मोलर मास कितना आ रहा है 122 ग्राम पर मोल और जो हमारे पास ऑब्जर्व्ड मोलर मास आ रहा है और बेंजोइक एसिड का वो 241.98 ग्राम पर मोल है राइट right? तो अब हम वेंट हॉफ फैक्टर फाइंड आउट कर सकते हैं सो आई इक्वल टू नॉर्मल मोलर मास ओवर ऑब्जर्वड मोलर मास आएगा सो इट इज 122 ग्राम पर मोल डिवाइडेड बाय अब हमारे पास ऑब्जर्व मोलर मास कितना है टू फोर्टी वन पॉइंट नाइन एट ग्राम पर मोल ग्राम पर मोल के साथ ग्राम पर मोल कैंसिल हो गया वेंट ऑफ फैक्टर हमारे पास यूनिटलेस आता है सो वन ट्वेंटी टू डिवाइडेड बाई टू फोर्टी वन पॉइंट नाइन एट योर आंसर इज आई इक्वल टू जीरो पॉइंट फाइव जीरो फोर नाउ ये हमारे पास वेंट हाउ फैक्टर आ गया ठीक है अब हमारा नेक्स्ट टारगेट क्या है हमने डिग्री ऑफ एसोसिएशन ऑफ बेंजोइक एसिड फाइंड आउट करनी है राइट right? तो बेंजोइक एसिड एसोसिएट कैसे कर रहा है पहले हम ये देखेंगे एसोसिएशन ऑफ बेंजोइक एसिड हम रिएक्शन के थ्रू देखते हैं सो बेंजोइक एसिड एसोसिएट्स एस ठीक है हमारे पास टू मॉलिक्यूल्स ऑफ सी सिक्स एच फाइव सी ओ ओ एच वो एक दूसरे के पास आए राइट और उन्होंने डाइमर फॉर्म कर दिया राइट अब अगर इसको मैं एक्सप्लेन करना चाहूं तो डाइमर कुछ इस तरह से फॉर्म हो रहा है सी डबल बॉन्ड ओ ओ एच आपके पास कार्बोक्सिलिक एसिड आ गया एक बेंजोइक एसिड का राइट right? अब सेम वे में दूसरा बेंजोइक एसिड जो है उसका हाइड्रोजन क्या करेगा उसका हाइड्रोजन ये जो फर्स्ट कार्बोक्सिलिक एसिड है उसकी ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बना देगा एंड इसी वे में हमारे पास ये जो ऑक्सीजन है दूसरे कार्बोक्सिलिक एसिड का वो फर्स्ट के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर देगा राइट right? एंड इसी वे में हमारे पास क्या बन गया डायमर बन गया डायमर मतलब कि अब ये एक सिंगल uh, मॉलिक्यूल की फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा ओके okay, सो so. अब हम इनिशियली देखते हैं जब हमारे पास एसोसिएशन नहीं हुई है ठीक है तो इनिशियल हमारे पास कितने आ रहे हैं उस टाइम पे एसिड के मैं अज्यूम कर रही हूं कि वन मोल आ रहे हैं, और अभी dimer form नहीं हुआ है, तो ऑब्वियसली इसके जीरो मोल आएंगे ठीक है उसके बाद हमारे पास क्या हुआ कि एल्फा मोल्स जो है बेंजोइक एसिड के वो एसोसिएट कर गए और उन्होंने डाइमर बना दिया मोल्स आफ्टर एसोसिएशन ठीक है अब इसमें वन में से अल्फा जो है वो क्या कर गए वो एसोसिएट कर गए अब अल्फा मोल्स अगर बेंजोइक एसिड के एसोसिएट करेंगे तो वो ऑब्वियसली अल्फा बाई टू हमारे पास डाइमर फॉर्म कर देंगे ठीक है कि अगर मैं कह रही हूँ कि मेरे पास फोर मॉलिक्यूल्स जो है वो आपस में कंबाइन करके ठीक है अब फोर मॉलिक्यूल टू मॉलिक्यूल कंबाइन करेंगे तो वो एक मॉलिक्यूल बनाएंगे ठीक है एंड सेम वे में टू मॉलिक्यूल कंबाइन करके एक मॉलिक्यूल बनाएंगे सेम वे में अगर मैं ये बेंजोइक एसिड जो है एक बेंजोइक एसिड था और एक ये बेंजोइक एसिड था ठीक है ये दोनों आपस में दो मॉलिक्यूल्स कंबाइन किए और इन्होंने क्या बना दिया इन्होंने एक सिंगल मॉलिक्यूल बना दिया सेम वे में एल्फा मोल्स ऑफ बेनजॉइक एसिड जो है वो कंबाइन करके एल्फा बाई टू मोल्स ऑफ डाइमर ऑफ बेनजॉइक एसिड फॉर्म कर देंगे राइट सो टोटल मोल्स आफ्टर एसोसिएशन कितने आ जाएंगे सो यू कैन राइट टोटल मोल्स आफ्टर एसोसिएशन इक्वल टू अब हमारे पास एक्चुअल एसिड के मोल्स कितने प्रेजेंट है आफ्टर एसोसिएशन वन माइनस एल्फा राइट एंड जो डाइमर है उसके कितने मोल्स हैं प्लस एल्फा बाय टू राइट अब ये जो एल्फा एंड एल्फा बाय टू आया है इसको हम सॉल्व करेंगे ओके सो ऑब्वियसली इसको वन को मैं अभी इग्नोर करती हूँ राइट एंड ये हमारे पास एलसीएम टू आ गया राइट right? सो so, ये क्या बन गया टू एल्फा प्लस एल्फा अब इसको अगर आप सॉल्व करो माइनस टू एल्फा प्लस एल्फा ठीक है ये हमारे पास माइनस एल्फा बाई टू देगा माइनस वन बाई टू हमारे पास वन बाई टू वैल्यू देता है राइट right? तो अब हमारे पास जो टोटल मोल्स आफ्टर एसोसिएशन आए हैं वो भी आ चुके हैं ठीक है जो कि ऑब्जर्वड मोल भी जिनको आप कह सकते हो राइट right? तो आप ये लिख सकते हो दीज आर ऑब्जर्व मोल्स आफ्टर एसोसिएशन वो कितने हैं? वन माइनस एल्फा बाई टू राइट नाउ नॉर्मल मोल्स कितने होने चाहिए थे नॉर्मल ऑब्वियसली कि मेरे पास कोई एसोसिएशन जो है वो ऑब्जर्व नहीं हो रही है ठीक है उस केस में मेरे पास टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बेंजोइक एसिड राइट अब हम इसके बेसिस पे जो है वेंट हॉप का फॉर्मूला जो है अप्लाई करेंगे सो आई इक्वल टू ऑब्सर्वड मोल्स ऑफ बेन्जॉइक एसेड बाई नॉर्मल मोल्स ऑफ बेंजोइक एसिड राइट सो ऑब्जर्व कितने हैं हमारे पास वन माइनस एल्फा बाई टू ठीक है और नॉर्मल कितने आने चाहिए वन आने चाहिए कि कोई भी एसोसिएशन नहीं हो रही वेंट ऑफ फैक्टर की हम वैल्यू पुट कर देंगे सो वेंट ऑफ फैक्टर इक्वल टू जीरो पॉइंट फाइव जीरो फोर ठीक है ये हम सॉल्व कर लेते हैं वन के साथ अगर आप कोई टर्म जो है डिवाइड करते हो तो वही टर्म आती है सो वन माइनस एल्फा आप दूसरी साइड ले जाओगे सो माइनस एल्फा बाई टू इक्वल टू जीरो पॉइंट फाइव जीरो फोर माइनस वन बन गया नाउ जीरो पॉइंट फाइव जीरो फोर माइनस वन ये आपके पास क्या वैल्यू देगा माइनस जीरो पॉइंट फोर नाइन सिक्स राइट माइनस के साथ माइनस कैंसिल हो गया ये जो टू है ये आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे सो अल्फा इक्वल टू जीरो पॉइंट फोर नाइन सिक्स इंटू टू हो गया ठीक है तो जब आपने जीरो पॉइंट फोर नाइन सिक्स इंटू टू किया अल्फा की वैल्यू कितनी आ गई दैट इज जीरो पॉइंट नाइन नाइन टू एल्फा यहाँ पे क्या आ रहा है डिग्री ऑफ एसोसिएशन ठीक है सो so, आप लिख सकते हो अल्फा इज डिग्री ऑफ एसोसिएशन ठीक है कि कितने हमारे पास मॉलिक्यूल जो है एसोसिएट किए हैं वो कौन बता रहा है वो एल्फा की वैल्यू बता रही है राइट right? तो अब हमने फाइंड आउट क्या करना है हमने परसेंटेज ऑफ डिग्री ऑफ एसोसिएशन फाइंड आउट करनी है राइट सो यू कैन राइट परसेंटेज एसोसिएशन ऑफ बेन्जॉइक एसिड इक्वल टू ऑबियसली एल्फा इंटू हंड्रेड हो जाएगा ठीक है हम परसेंटेज फाइंड आउट करेंगे इनकेस ऑफ डिग्री ऑफ एसोसिएशन उसकी वैल्यू जीरो पॉइंट नाइन नाइन टू इंटू हंड्रेड ठीक है ये साथ में परसेंटेज का साइन आ गया सो वेन यूल मल्टीप्लाई जीरो पॉइंट नाइन नाइन टू विद हंड्रेड आपका आंसर कितना आएगा नाइन्टी नाइन पॉइंट टू परसेंट डेट मीन्स कि नाइन्टी नाइन पॉइंट टू परसेंट जो एसिड के मॉलिक्यूल्स हैं वो एसोसिएट किए हैं और उन्होंने डायमर फॉर्म किया है